सहारा है, इसे हम निखारा है। दे दे हमारा है, इसे हम हमारा है। दे दे हमारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं, और किसी के किसी इंसान या किसी मुल्क के सामने हम सजदा नहीं करते। हम आजाद कौम हैं, हमारा कलमा हमें आजादी देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अटक के नौजवानों और बुजुर्गों, और मैं आज खास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं अपनी बहनों को, जो भरपूर तरीके से उन्होंने शिरकत की। ये जो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो आप वक्त सामने आ रहा है, ये हमारी हकीकी आजादी की जंग है। और इसमें मैं सबसे पहले अपने दलेर नौजवानों को कहता हूं कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ इस अब जंग में शिरकत करेंगे। और उसके बाद मैं अपनी ख्वातीन को, अपनी बहनों को, सबको कहता हूं कि आपने शिरकत करनी है। जिस तरह तहरीके पाकिस्तान में हमारी ख्वातीन ने शाना बशाना हमारे मर्दों के साथ उस तहरीक में शिरकत की थी, मेरे पाकिस्तानियों, ये हमारे मुल्क पे एक फैसला कुन वक्त है, बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है कि क्या हम एक आजाद मुल्क बन के रहेंगे या ये अमरीकनों के गुलामों की गुलामी करेंगे। ये फैसला कुन वक्त है। मैंने फैसला किया है कि ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। मैंने ये फैसला किया कि मैं किसी सूरत, जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, मैं कभी इन चोरों को, डाकुओं को, गुलामों को कभी कबूल नहीं करूंगा। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे अटक के गयूर शहरियों, और खास तौर पे मेरे दलेर नौजवानों, अब सब तैयारी करो। और मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि क्यों हमने अपनी आजादी की जंग लड़नी है। देखें, दो तरह की गुलामी होती है नौजवानों, अब मेरी गौर से बात सुनना है, और खास तौर पर मेरी बहनों, क्योंकि आपने अपने बच्चों को इस चीज ये बात बतानी है। जिस तरह मेरी वालदा ने मुझे बताया जब मैं छोटा था कि उन्होंने मुझे एहसास दिलवाया कि तुम्हें, मुझे कहती तुम्हें पता नहीं कि गुलामी क्या होती है, तुम खुशकिस्मत हो कि आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए, हम एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। और गुलामी यह है कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान था, यहां के लोग ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि ऊपर अंग्रेज बैठा था। हमें अंग्रेजों की जंगें लड़नी पड़ी, लाखों लोग हिंदुस्तान से पहली जंग अजीम में कुर्बान हुए, अंग्रेजों की जंगों में।
और फिर दूसरी जंग अजीम में यहां से लाखों लोग जाके अंग्रेज की जंग में मरे और अरबों अरबों डॉलर हिंदुस्तान के लोगों का पैसे से अंग्रेज ने अपनी जंगों में इस्तेमाल किया। यह है जबकि एक कब्जा करके आपके ऊपर लोग गुलाम करते हैं, लेकिन दूसरी गुलामी कि जब हमें हुक्म मिला एक अमेरिका से हुक्म आया जनरल मुशर्रफ को कि तुम अगर हमारी जंग में शामिल नहीं होगे तो हम तुम्हें बम मार के तुम्हारा मुल्क तबाह कर देंगे। अंग्रेजी में उसने कहा वी विल बम यू इनटू स्टोन एज। तो क्या हुआ, बदकिस्मती से उस वक्त जो हमारे मुल्क का सरबरा था उसने अपने लोगों की दिफा नहीं की, घुटने टेक दिए और हमें फतह किए बगैर हमें अमेरिका की जंग में ले गया। हमारे 80,000 लोग उस जंग में कुर्बान हुए, 3 गुना हमारे फौजी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हमारे फौजी अमेरिका की जंग में कुर्बान हुए। 100 अरब डॉलर से ज्यादा पाकिस्तान का पैसा खर्च हुआ उस जंग पे। 2 किस्म की गुलामी, एक को कहते हैं कॉलोनियलिज्म, जब आपके ऊपर फतह करके मुल्क हावी हो जाता है जो अंग्रेज की गुलामी थी, और दूसरी को कहते हैं पाकिस्तानी और नौजवानों नियो कॉलोनियलिज्म के फतह किए बगैर आपको गुलाम बना लेते हैं। और ये हमारी बदकिस्मती कि हमारे मुल्क ने जब से हम आजाद हुए और जब से हमारा अजीम लीडर कायद आजम जो एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था, जो मेरा लीडर था, जो हमेशा हम उसको लीडर मानेंगे, ईमानदार था, दलेर था और आजाद था, खुददार था, उसके बाद कभी इस मुल्क ने कभी भी हमारे मुल्क ने सिवाय छोटा सा वक्त था कि भुट्टो ने कोशिश की, जुल्फिकार अली भुट्टो ने, कि पाकिस्तान आजाद फॉरेन पॉलिसी बने, हमेशा हमें हुक्म मिलते थे हम अपनी आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते थे। और आजाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब कि वो फॉरेन पॉलिसी जो अपने लोगों की अपने लोगों के फायदे में होती है, जिधर आप अपने आप को दूसरे मुल्क के लिए कुर्बान नहीं करते। तो जब मुझे आपने इख्तदार में भेजा तो मैंने हमेशा आपसे वादा किया था कि ना मैं कभी किसी को सामने झुकूंगा और ना आपको आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। तो फिर क्या हुआ, हमारे यहां जो इस मुल्क में करप्ट तरीन टोला, जो बाद में जिनको मैं 3 स्टूजेस कहता था, एक था इस मुल्क का, अब मैं क्या करूं, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, एक तो वो था, और 2 भाई जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, एक बाहर बैठा हुआ, वो बाहर बैठ के पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहता है, और छोटा भाई जो भी बूट देखता है पॉलिश करने शुरू कर देता है। ये 2 भाई, और फिर तीसरा कौन है, तीसरा जो 30 साल से इस्लाम को बेचता है। अच्छा, अब ये सुने,
अटक, नौजवानों ये जरा सुने। अच्छा, इसने भी जब इक्तदार मिला तो एक दीनी आदमी, आपने समझा होगा कि वो एजुकेशन की मिनिस्ट्री लेगा, जो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी मैंने बनाई थी कि सीरत नबी मेरे नौजवानों को, बच्चों को पढ़ाई जाए, चलो वो ले ले। उसने वो नहीं ली, उसने एनएचए लिया, यानी कि सड़कों की मिनिस्ट्री ली, जिसमें पैसा बनता था। अच्छा, तो नौजवानों, इन्होंने मिलके, इन थ्री सीजोज ने मिलके इन्होंने क्या किया बताएं जरा, क्या किया इन्होंने? यहां साजिश की अमरीकनों ने इनके साथ मिलकर, और अमरीकनों नहीं है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने मिलकर यहां इनके साथ साजिश की। इन्होंने हमारे लोगों को अमेरिकन एम्बेसी में बुलाया, उनको तैयार किया, और उसके बाद एक डोनाल्ड लू, एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी, उसने बुला के हमारे एम्बेसडर को अमेरिका में कहा कि अगर आप इमरान खान को इस अदम एतमाद में, अगर इसको आपने जता दिया, यानी अगर ये अदम एतमाद फेल हो गई इमरान खान के खिलाफ, तो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे, इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, धमकी दी। लेकिन अगर इमरान खान को आपने हटा दिया, अदम एतमाद को कामयाब कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हम आपको माफ कर देंगे, क्योंकि उनको पता था कि चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ आ जाएगा इमरान खान की जगह, और वो फिर उनकी खिदमत करेगा, और खिदमत शुरू हो गई है। इन्होंने मिलकर साजिश की, यहां भी इनके हैंडलर बैठे हुए थे, इन सब ने मिलकर प्लान किया और गवर्नमेंट गिरा दी। अब मैं ये आपसे पूछता हूं पाकिस्तानियों, आज मैं आपसे पूछता हूं कि वो कौन सा इतना बड़ा मसला था जो सब ने मिलकर गवर्नमेंट गिराई? आप ये समझें कि उस वक्त हमने पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकाल लिया था, एक मुल्क जिसका दिवालिया निकला हुआ था, यही इन्होंने 10 साल दोनों ने मिलकर जो डाके मारे थे, मुल्क को कंगाल किया, बैंकरप्ट किया, मकरूज किया, इदारे तबाह किए, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा छोड़ के गए $20 अरब का, वो मुल्क हमें मिला। और मुझे आज फख्र यह है कि सब मुश्किलों के बावजूद हमने अपने मुल्क को खड़ा किया, हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री ठीक की, अपनी जराई, अपने किसानों की मदद की, मुल्क खड़ा हो रहा था। तीसरे साल में 5.6% हमारा मुल्क बढ़ा था, आगे दौलत में इजाफा हो रहा था, ग्रोथ रेट थी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, हमने सबसे ज्यादा आमदनी बढ़ाई, टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, हमने जो किसानों की मदद की, सबसे ज्यादा पैदावार किसानों ने हमारे दौर में की। तो जब ये हो रहा था तब ये साजिश हुई। तो मेरी आज बात सुने अटक के लोगों, जब ये मुझे साजिश का पता चला तो मैंने उन लोगों को, जो लोग साजिश रोक सकते थे, मैंने उनको ये बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से मुल्क की मईशत को संभाला है, अगर अभी ये साजिश कामयाब हुई तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैंने भी बताया, मैंने शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि बताओ, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके। और आज क्या हुआ है? आज पाकिस्तान का रुपया तेजी से गिर रहा है, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो इन 2 महीनों में 30% गिर गए हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज नीचे, महंगाई,
हर चीज महंगी, बिजली महंगी, आगे मजीद और महंगाई, हमारी मायशत नीचे जा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है बताओ अटक के लोगों, कौन जिम्मेदार है इसका? और मैं जो आज आपके पास आया हूं, मेरे पाकिस्तानियों याद रखो कि यह वक्त अब है कि आपने अपने अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने सबने मेरे साथ निकलना है। क्योंकि ऊपर कौन बैठे हैं, ऊपर कौन बैठा है? सबसे पहले शहबाज शरीफ। अब ये सुने जरा इसका, 24 अरब रुपए के इसके ऊपर केसेस हैं, 24 अरब रुपए के केसेस इसके ऊपर। और अब क्या हो रहा है, इसको एनआरओ मिल रहा है, एफआईए जो इसके ऊपर, जिसने उसके ऊपर केस बनाए थे, अब एफआईए सारे केस खत्म कर रही है। आसिफ जरदारी जिसके ऊपर अरबों रुपए के केसेस नैब में, आसिफ जरदारी कहता है कि नैब में मैं इस्लाहात करूंगा। पाकिस्तानियों ये है कयामत की निशानी कि आसिफ जरदारी नैब की इस्लाहात कर रहा है। अब सोचें कि वो लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा था, आज वो ऊपर बैठ के सबसे पहली चीज कर रहे हैं, अपने केस खत्म कर रहे हैं। जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो कातिल है, 18 कत्ल किए हुए हैं। वो जो अभी गए हैं लंदन में मिलने गए हैं नवाज शरीफ को, वो सजा याफ्ता है, उसको सजा मिल चुकी है, वो भगौड़ा है, भागा हुआ है। उससे प्राइम मिनिस्टर जाके मुल्क के फैसले कर रहा है, और जो उसकी बेटी है नवाज शरीफ की, वो भी सजा याफ्ता है, उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर का, उसके पीछे रेंजर्स और पुलिस फिर रही है, जिसको सजा दे चुका है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और वो बेल पे है, जमानत पे है। तो अटक मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कौम तब तबाह होती है जब जेलों में सिर्फ छोटे चोर हो, सिर्फ भैंस चोर और मोटरसाइकिल चोर और छोटे चोर जब जेलों में जाते हैं और बड़े बड़े डाकू को आप नहीं पकड़ते, वो मुल्क तबाह हो जाता है। ये आपके सामने मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इसलिए आपने निकलना है कि जब बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े ओहदों पे बैठ जाए, सारों ने बड़े बड़े ओहदे संभाल के अपने केस खत्म करें, और वो ऑफिसर एफआईए का डॉक्टर रिजवान, मैं आज उसको सलाम पेश करता हूं कि उसने जो केस शहबाज शरीफ के ऊपर बनाए, हमारे बेचारे गवर्नमेंट के ऑफिसर डरते हैं, इस माफिया से डरते हैं। कितने लोग हैं जो इन्होंने मरवाए हैं। डॉक्टर रिजवान जब उसने हमजा शरीफ को बुलाया और उससे जब सवालात पूछे कि किधर से ये मकसूद चपड़ासी के पास 4.25 अरब रुपए आ गया, नौकरों के पास 16 अरब रुपए किधर से आए, तो हमजा शरीफ बजाय उसके जवाब देता, उसको उसने धमकी दी, उसको डराया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे है कि मुझे पूछ रहे हो ये सवाल। लोग डरते हैं इनसे, इसलिए डॉक्टर रिजवान आप जैसे लोगों को हम सलाम करते हैं कि इस माफिया के, इसके बावजूद कि आपको खतरा है, आप इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। कितने लोग इन्होंने मरवाए, एआन अली का जो कस्टम ऑफिसर था उसको मरवा दिया, वो जो शहनशाह था जिसने बेनजीर के साथ होता था जब वो कत्ल हुई उसको मरवा दिया, एक जस्टिस सजाद था जरदारी ने उसको मरवा दिया। जो जो इनके केसेस के पीछे जाता है उनको जान का खतरा होता है। तो अगर
मेरे पाकिस्तानियों, ये कामयाब हो जाते हैं हमारे मुल्क तबाही की तरफ जाता है, हमारे इदारे तबाह, कोई नहीं खड़ा होगा इनके खिलाफ, ये खुल के चोरी करेंगे, सब डरेंगे, मुल्क को लूटेंगे। और इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई तुम्हारे से पहले, जो सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती थी और बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती थी। ये है हमारे तबाही का रास्ता। और इसलिए मेरे अटक के लोगों और मेरे पाकिस्तानियों, इसलिए आपने सबने मेरे साथ निकलना है। जब मैं आपको कॉल दूंगा 20 तारीख के बाद, आपने सबने निकलना है। और आपने किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए आपको। नौजवानों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में क्या किया था आपको मैं आखिरी बात करने जा रहा हूं, और से सुने। वो मदीना के लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, मेरे नबी ने क्या किया था कि वो दुनिया की इमामत करने लग गए, थोड़ी देर में अजीम लोग बन गए। मदीना के लोगों की मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी, उनके खौफ खत्म कर दिए। खौफ की जंजीर जो इंसान को ऊपर नहीं आने देती, उसकी परवाज ऊपर नहीं जाती, डरे हुए लोग कभी आजाद नहीं होते। जब उन्होंने उनकी खौफ की जंजीरें तोड़ी, वो लोग अजीम लोग बन गए। आपके सबको समझना चाहिए कि ये जो आप आजादी की, हमारी हकीकी आजादी की जो हमारी तहरीक है, अपने खौफ खत्म कर दें। तीन ही खौफ होते हैं इंसान को, मौत इंसान को सबसे बड़ा खौफ होता है कि मुझे मार ना दें, अल्लाह का हुक्म है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। दूसरा खौफ कि मुझे जलील ना कर दें, अल्लाह ने कहा कि इज्जत जलत मेरे हाथ में है। और तीसरी रिस्क, मेरी नौकरी ना चली जाए, मुझे नौकरी से ना निकाल दें, अल्लाह ने कहा हुआ है कि रिस्क मेरे हाथ में है। तो डर किस चीज का, किस चीज का डर है आपको? इसलिए आपने सबने मेरे साथ निकलना है। और मैंने इंशाल्लाह जब मैं आपको कॉल दूंगा, हम कभी इस्लामाबाद में जब तक ये इलेक्शन नहीं अनाउंस करेंगे, हम ये हमारी तहरीक जारी रहेगी, कोई पीछे नहीं हटेगा। सारी कौम को मैं आज दावत दे रहा हूं, तहरीक इंसाफ को नहीं दावत दे रहा, अपनी कौम को दावत दे रहा हूं, पाकिस्तानियों को दावत दे रहा हूं, सारे अपने लोगों को, नौजवानों को, बच्चों को, फैमिलीज को, अपने सरकारी नौकर, अगर वो डरते हैं नौकरियां चली ना जाए तो अपनी फैमिलीज को भेजना, हमारे पुलिस वाले, हमारे फौजी अपनी फैमिलीज भेजे, क्योंकि ये पाकिस्तान की आजादी की जंग है, ये मेरी जंग नहीं है, ये हमारी आजादी की जंग है। दो किस्म की, ना हम किसी दूसरे बाहर के मुल्क की गुलामी करना चाहते हैं और ना ही हम इन चोरों की गुलामी करना चाहते हैं। दो किस्म की हमारी जंग होगी, बाहर की जो साजिश इस मुल्क में अपने पुतले रखने के लिए, उससे हमने आजाद होना है, और ये जो चोर और डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, इनसे आजाद होना है। अटक के लोगों, आप तैयार हो? हाथ खड़ा करके बताओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप सबको मैं मिलूंगा इस्लामाबाद में। जो इस्लामाबाद नहीं आ रहा है वो अटक में निकलेंगे, लेकिन निकलना हर पाकिस्तान के शहरी ने है। और ये मेरा पैगाम सबको है कि जो भी कोशिश करेंगे आप, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कौम निकलेगी। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं किसी सूरत ना इन चोरों को मानूंगा, ना अमेरिका के गुलामों को मानूंगा।
अटक के लोगों, आज जिस तादाद में आप निकले हो और जो मेजर साहब आपको, अमीन असलम आपको और जुल्फी बुखारी आपको सबको और जितने भी उन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। सिर्फ आपने ग्राउंड बोर्ड थोड़ा और पीछे करते तो और लोग आ सकते थे, बाहर भी इतने ज्यादा लोग हैं, लेकिन आज मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं और इंशाल्लाह आपकी और मेरी अब मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।